So write down continuity equation. So actually continuity equation है क्या? Basically continuity equation आप कह सकते हैं that is the mass conservation principle at a point in Eulerian approach. Continuity equation क्या है? Mass conservation principle at a point. Mass conservation principle at a point in Eulerian approach. It relates velocity field with the density field. Field का मतलब खेत नहीं है, field का मतलब गाजर की खेत नहीं है, field का मतलब है एक function जो कि space और time का function है. Velocity as a function of x, y, z time. Density as a function of x, y, z time. ठीक है? It relates velocity field with density field. With density field. So it relates velocity field with density field. Okay? So पहले देख लेते हैं इक्वेशन कैसे आ रही है और क्या आ रही है, तो अपने आप आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी. ठीक है? So basically मैं करने क्या वाला हूँ, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिखने वाला हूँ. मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल कैसे होता है, आपके पास एक टॉफियो का पैकेट है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, उस पैकेट में मे बी 100 टॉफीज है. तो मेरे को टॉफीज खाने का बहुत शौक है, सो मैंने क्या किया, मैंने 100 टॉफीज में से 10 टॉफी बाहर निकाल ली. मगर सडनली मेरी वाइफ आ गई और वो बहुत खड़ूस है, तो मैंने क्या किया, फटाफट 9 टॉफीज जो है वापस अंदर डाल दी. ठीक है? सो देखिए पैकेट के अंदर पहले मास कितना था, पहले टॉफीज कितनी थी 100, मैंने कितनी टॉफीज बाहर निकाली 10, कितनी टॉफीज वापस डाली 9, तो बचेगी कितनी 99, है ना. अब ये क्या है, इनिशियल मास. ये क्या है, आउटगोइंग मास, इनकमिंग मास, फाइनल मास. ठीक है? सो आप क्या बोलेंगे, इनिशियल मास एम आई माइनस इनकमिंग मास प्लस आउटगोइंग मास इज इक्वल टू फाइनल मास, है ना. और अगर आप इनिशियल को उस साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा, सॉरी इधर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, -10, तो 10 तो बाहर जा रहा था तो आउटगोइंग मास बनेगा, और 9 अंदर आ रहा था तो इनकमिंग मास बनेगा, है ना. सो अगर एम आई को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एम एफ फाइनल मास माइनस इनिशियल मास इज इक्वल टू इनकमिंग मास माइनस आउटगोइंग मास. ठीक है? फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन मास होता है. तो चेंज इन मास ऑफ योर पैकेट दैट इज कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनकमिंग माइनस आउटगोइंग. ठीक है? यही इक्वेशन हम लिखने वाले हैं. मगर अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने क्या बोला था कि हम लोग जो है यूलेरियन अप्रोच फॉलो करते हैं. यूलेरियन अप्रोच में हम किसी भी क्वांटिटी को और इनफैक्ट किसी भी इक्वेशन को एक पॉइंट के लिए लिखते हैं. सो हम वही काम करने वाले हैं. ठीक है? हम इस इक्वेशन को एक पॉइंट के लिए लिखने वाले हैं. और आइडिया क्या रहेगा, एक पॉइंट के अराउंड में कंट्रोल वॉल्यूम लूंगा. अब ध्यान रखना है, फ्लूइड एलिमेंट नहीं ले रहा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ में फ्लूइड एलिमेंट लिया था. ठीक है? कल जो लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम की डेरिवेशंस बनी उनमें फ्लूइड एलिमेंट लिया. यूलर्स इक्वेशन लेंगे, फ्लूइड करेंगे, फ्लूइड एलिमेंट लेंगे, मगर अभी मैं एक कंट्रोल वॉल्यूम लूंगा. कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब है एक कमरा जिसमें कुछ दरवाजे और खिड़कियां होंगी, तो दरवाजों से खिड़कियों से मास अंदर और बाहर जा सकता है. ठीक है? सो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं. सो अभी के लिए मैं इक्वेशन रब कर रहा हूँ, वो स्टेटमेंट रब कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल एट अ पॉइंट, और ये क्या करता है, वेलोसिटी के जो यूलेरियन फंक्शन है एक्स वाई जेड और टाइम का, उसको डेंसिटी के एक्स वाई जेड टाइम फंक्शन से रिलेट करता है. सो ये क्या है, हमारे पास एक स्पेस है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है. ठीक है? सो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन. आपने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z. ठीक है? सो हमें पता है हम यूलेरियन अप्रोच में क्या लिखते हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड टाइम, v इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड टाइम. उसी तरह आप w के लिए भी लिखते हैं और डेंसिटी के लिए भी लिखते हैं. सो इनको अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए. ओके? सो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब टाइम इंस्टेंट टी है, घड़ी में जब टाइम इंस्टेंट टी है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे
डेंसिटी होगी रो। इस पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे और वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे यू वी और डब्ल्यू। ठीक है, सो ध्यान रखना है यू की जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग आएगी, वी की जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है जनरल डायरेक्शन होती है दैट इज अलोंग पॉजिटिव वाई, और डब्ल्यू की अलोंग पॉजिटिव जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है। तो आप फिगर दोबारा बना लीजिए, फिगर को दोबारा बना लीजिए और अब वेलोसिटी कंपोनेंट्स वगैरह नहीं दिखाइएगा, अब आप सीधा बोलिए कि हमारे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम है। सो 2D फिगर बना लीजिए, चाहे दोबारा 2D फिगर बना लीजिए और इस कंट्रोल वॉल्यूम की साइड्स हैं dx, dy और dz, और वो वाला जो पॉइंट था That point was the is the center of control volume. वो point क्या है? Center of control volume है। अब देखिए ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक 6 surface का container है और उन surfaces से कुछ fluid अंदर आएगा, कुछ fluid बाहर जाएगा। अब मान लीजिए जैसे ये वाले surface की बात करते हैं, so इस surface के लिए incoming mass या outgoing mass लिखना है। तो देखिए ये surface की बात कर रहे हैं, तो जब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ मेरी वेलोसिटी देखिए सरफेस के पैरेलल है ना, सो क्या मैं इस सरफेस को क्रॉस कर रहा हूँ? नहीं। तो जब मुझे इस सरफेस से फ्लो चाहिए मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लूंगा। उसी तरह अगर मुझे साइड सरफेस से फ्लो चाहिए तो मैं साइड सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लूंगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वो कंट्रोल वॉल्यूम को बड़े फिगर से बना लेता हूँ। सो आइडिया थोड़ा सा वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। बस ये कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फोर्सेस लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग मास फ्लो रेट लिख रहे हैं। तो ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है। सो आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया है ए, उस क्रॉस सेक्शन से जो फ्लूइड पास कर रहा है उसकी मीन फ्लो वेलोसिटी है यू। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिस्चार्ज कैसे लिखेंगे, ए इंटू यू लिखेंगे, है ना, ये डिस्चार्ज लिखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड, और मीटर क्यूब पर सेकेंड को डेंसिटी से यानी केजी पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, सो केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब पर सेकेंड दैट इज केजी पर सेकेंड आ जाएगा, मास फ्लो रेट आएगा। ये क्या आएगा, मास फ्लो रेट। सो एक सेक्शन से मास फ्लो रेट कितना है, रो ए यू। So, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं मास फ्लक्स। क्या टर्म डिफाइन करते हैं, मास फ्लक्स रेट यानी कि मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। तो पूरे एरिया के लिए मास फ्लो रेट कितना है, रो ए यू। सो पर यूनिट एरिया मास फ्लो रेट कितना होगा, रो ए यू बाय ए दैट इज रो यू। तो डेंसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास फ्लक्स रेट पता लग जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए फिर से आप फिगर बनाएंगे। तो जब आप फिर से फिगर बनाएंगे, हम ऑल्टरेशन बाय द वे बड़े फिगर में करेंगे, तो एक बार उसको ड्रॉ करके ये छोटा फिगर फिर से बना लीजिए। तो ये आपके पास पॉइंट है, मैं 2D फिगर ही दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट पे डेंसिटी कितनी थी, रो। तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी था यू, सो क्या होगा, हमारे पास एक मास फ्लक्स रेट आएगा रो यू जो कि एक्स के अलॉन्ग है, मास फ्लो रेट अलॉन्ग द एक्स। उसी तरह मास फ्लक्स रेट अलोंग वाई रो वी, मास फ्लक्स रेट अलोंग जेड रो डब्ल्यू। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया अगर मैं इस पॉइंट पे एक सरफेस लेता जो कि वाई जेड प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, सो उस सरफेस से जो मास फ्लो रेट होता पर यूनिट एरिया दैट इज रो यू। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पे एक सरफेस लेता जो कि एक्स जेड प्लेन में है, सो उस पॉइंट्स उस एरिया से जो मास फ्लो रेट होता पर यूनिट एरिया दैट इज रो वी। आई होप आप समझ पा रहे हैं, रो यू क्या बताता है, यू मतलब एक्स, तो रो यू क्या बताता है, वाई जेड प्लेन से मास फ्लो रेट, और रो वी क्या बताता है, वाई, रो वी का मतलब है वाई, तो ये क्या बताता है, एक्स जेड प्लेन से मास फ्लो रेट। उसी तरह रो डब्ल्यू क्या बताएगा, एक्स वाई प्लेन से मास फ्लो रेट। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, इस कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ फ्लूइड अंदर आएगा, कुछ फ्लूइड बाहर जाएगा, तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर भी फ्लो हो रहा है। ठीक है,
उसी फ्लो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हो रहा है, उसी फ्लो के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये मास फ्लक्स रेट्स लिखे हैं, रो यू, रो वी और रो डब्ल्यू, ठीक है। मगर ध्यान रखना है, मैं एक पार्टिकल हूं, मैं कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ही घूम रहा हूं, मगर मैं यहीं पे रहूंगा, है ना। तो मैं ना अंदर आऊंगा ना बाहर जाऊंगा, मतलब बाहर तो जा नहीं रहा हूं। सो मेरा मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा अंदर ही हूं। मुझे कौन से पार्टिकल्स कंसिडर करने हैं, जो सरफेस पे थे, जो पार्टिकल्स इंटीरियर में है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब ये जो मास फ्लक्स रेट है, रो यू है, जैसे मेरे ख्याल से रो जो है वो एक्स वाई जेड टाइम का फंक्शन है, उसी तरह यू भी एक्स वाई जेड टाइम का फंक्शन है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, ये प्रोडक्ट भी एक्स वाई जेड टाइम का फंक्शन होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेस एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, उन दो पॉइंट्स का मास फ्लक्स रेट भी डिफरेंट होगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट जो बॉडी का सेंटर है, और ये वाला पॉइंट जो राइट हैंड साइड सरफेस का सेंटर है, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे चाहिए एक सरफेस से जो मास बाहर गया या अंदर आया, एक सरफेस से जो मास क्रॉस किया। अब ये वाला जो सरफेस है, राइट हैंड साइड सरफेस, ये मेरे ख्याल से वाई वाई जेड प्लेन में है ना। ये राइट हैंड साइड सरफेस कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। सो इसके लिए मास फ्लक्स रेट कौन सा चाहिए होगा, मुझे एक्स वाला चाहिए होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, जो सेंटर पॉइंट था बॉडी का, उसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ में किया था, ये जो राइट हैंड सरफेस आएगा इसका सेंटर पॉइंट होगा एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इन दो पॉइंट्स में, इन दो पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ x का है, इसका डिफरेंस है x का है, ठीक है। अब देखिए, रो यू जो है, रो यू जो है वो भी x का फंक्शन है। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनका x डिफरेंट है, उनका रो यू भी डिफरेंट होगा। सो इस पॉइंट पे हम मास फ्लक्स रेट कैसे लिखेंगे, रो यू प्लस डेल बाय डेल x ऑफ रो यू इनटू dx बाय 2, क्योंकि ये x प्लस dx बाय 2 है, सॉरी नॉट dx, dx by 2, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ में किया था। आपके पास कंट्रोल एलिमेंट के सेंटर पॉइंट पे प्रेशर था, तो राइट हैंड साइड सरफेस के सेंटर पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखेंगे, p plus del b by del x dx by 2। यहां प्रेशर की बजाय मास फ्लक्स रेट है। अब क्योंकि सरफेस वाई जेड प्लेन में है, तो मैंने x वाला मास फ्लक्स रेट ले लिया। उसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड सरफेस है वो भी वाई जेड प्लेन में है, तो उस प्लेन के लिए भी मैं एक्स वाला मास फ्लो रेट, मास फ्लक्स रेट लेता हूं, जो कि बन जाएगा रो यू माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू डी एक्स बाय 2। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पॉइंट है राइट हैंड साइड सरफेस का पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे y के लॉन्ग फ्लक्स रेट नहीं है, z के लॉन्ग फ्लक्स रेट नहीं है। y और z के लॉन्ग भी फ्लक्स रेट है, मगर वो फ्लक्स सरफेस के पैरेलल है। सो वो मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो सरफेस को क्रॉस ही नहीं करेगी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सारे सरफेसेस का मास फ्लक्स रेट लिख लेते हैं। सो जैसे अगर मैं टॉप सरफेस की बात करूं, वो एक्स जेड प्लेन में है, तो मुझे चाहिए होगा वाई वाला, यानी कि रो वी चाहिए होगा। तो रो वी प्लस डेल वाई डेल वाई ऑफ रो वी डेल डी वी बाय डी वाई बाय 2। उसी तरह बॉटम सरफेस की बात करें, तो बॉटम सरफेस पे मास फ्लक्स रेट आएगा रो वी माइनस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई डी वाई बाय 2। और आप फ्रंट और बैक सरफेस का भी लिख सकते हैं। अब आप एक चीज बोलेंगे कि सर, आपने जब वहां पे प्रेशर दिखाया था, तो आपने लेफ्ट साइड का प्रेशर और राइट साइड का प्रेशर ओपोजिट दिखाया था, क्योंकि बेटा बात यह है कि प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है, और वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर है, उस वेक्टर की एक जनरल डायरेक्शन लेंगे। क्या डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव एक्स, ठीक है ना। सो मैंने जनरल डायरेक्शन दिखाई है कॉम्पोनेंट्स की, वो पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग है। सो फ्रंट साइड में आपके पास फ्लक्स रेट कितना आएगा, रो डब्ल्यू प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू
by del z, dz by 2. और उसी तरह से बैक सरफेस पे भी होगा जो हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, बैक सरफेस पे भी आएगा। आप चाहे तो वैसे दिखा भी सकते हैं, शो कर ही दीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे, बाद में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो तो शो कर ही देते हैं, ठीक है। सो रो डब्ल्यू माइनस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड डी जेड बाय 2। तो मैं अब मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिखना शुरू करता हूं। अब देखिए मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, इनकमिंग मास माइनस आउटगोइंग मास इज इक्वल टू चेंज इन मास। हम पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, हम मास फ्लो रेट लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मास फ्लो रेट, यानी कि आप पर यूनिट टाइम की बात करेंगे। सो आप इस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे इन रेट ऑफ इनकमिंग मास माइनस रेट ऑफ आउटगोइंग मास इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ दिस कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ दिस कंट्रोल वॉल्यूम। अब जरा देखिए, मेरे ख्याल से अगर मैं वेलोसिटी कंपोनेंट्स की जनरल डायरेक्शन की बात करूं, उस हिसाब से तीन सर्फेसेस ऐसे हैं जहां से मास अंदर आ रहा है। ये देखिए, ये मास अंदर आएगा, ये वाला मास अंदर आएगा और ये मास भी अंदर आएगा, है ना। सो तीन सर्फेसेस से मास अंदर आ रहा है और उसी तरह तीन सर्फेसेस से मास जो है बाहर जा रहा है, ठीक है। सो पहले मैं इनकमिंग मास लिख लेता हूं। So, rate of incoming mass. So, देखिए, left surface से mass अंदर आ रहा है, मगर ये जो values लिखी हुई हैं, ये mass flux rate हैं, यानी कि mass flow rate per unit area. So, flux को area से multiply करते हैं, तब mass flow rate मिलता है। अब देखिए, इसके लिए area क्या है? इसके लिए area है dy dz. जब x का mass flow rate ले रहे हैं, तो area बनेगा yz. जब y का mass flow rate बनेंगे लेंगे, तो area बनेगा xz. तो उस हिसाब से लिख लेता हूं। So, incoming mass कितना है, rho u minus del of rho u by del x dx by 2. ये तो mass flux rate है, इसको area से multiply करेंगे, dy dz आएगा। फिर bottom surface से कुछ mass अंदर आ रहा है, rho v minus del of rho v by del y into dy by 2. ये तो flux rate है, flux rate को area से multiply करेंगे तो मास फ्लो रेट मिलेगा। और उसी तरह जो बैक सरफेस है, वहां से भी कुछ मास अंदर आ रहा है, सो ये बन जाएगा रो डब्ल्यू माइनस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इनटू डीजेड बाय 2। ये मास फ्लक्स रेट है, तो इसको आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया डीएक्स डीवाई, सो आपको इनकमिंग मास की टर्म्स मिल गई है। उसी तरह मैं आउटगोइंग मास की टर्म्स भी लिख देता हूं। उसी तरह आउटगोइंग मास की टर्म्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। सो वो प्लस वाली टर्म्स आएंगी, जैसा कि आपको ध्यान होगा। सो ये बन जाएगा रो यू प्लस डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स डीएक्स बाय 2। ये तो फ्लक्स रेट है, फ्लक्स रेट को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy dz बन जाएगा, प्लस y डायरेक्शन में जो बाहर जा रहा है मास, दैट इज रो वी प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई इंटू डीवाई बाई 2। सो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे डीएक्स डीजेड प्लस रो डब्ल्यू प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इंटू डीजेड बाई 2। आपको ध्यान होगा और मेरे ख्याल से आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, जब एरियाज बहुत छोटे हो तो सेंटर पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू होती है, वही कंसेप्ट लगाया यहां भी मैंने, ठीक है। सो ये बन जाएगा डीएक्स डीवाई। So, incoming mass flow rate लिख लिया, outgoing mass flow rate लिख लिया। अभी काम करते हैं, incoming minus outgoing करते हैं। So, ये देखिए, incoming minus outgoing, so मेरे ख्याल से this minus this, so ये वाली term cancel out होगी, ये term भी cancel out होगी, ये term और ये term भी cancel out होगी। Remaining two terms देखिए, incoming minus outgoing, तो दोनों negative बन के add हो जाएंगी, है ना? So, इस हिसाब से जो rate of incoming mass माइनस रेट ऑफ आउटगोइंग मास है वो बन जाएगा माइनस डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स इनटू डीएक्स डीवाई डीजेड माइनस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई इनटू डीएक्स डीवाई डीजेड माइनस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड
into dx dy dz. अब ये देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग बिकॉज ऑफ फ्लो अलोंग एक्स डायरेक्शन, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, नेट एक्यूमुलेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम बिकॉज ऑफ फ्लो अलोंग एक्स डायरेक्शन, मास एक्यूमुलेशन इन कंट्रोल वॉल्यूम बिकॉज ऑफ फ्लो अलोंग एक्स डायरेक्शन, मास एक्यूमुलेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम बिकॉज ऑफ फ्लो अलोंग वाई डायरेक्शन, mass accumulation in control volume because of flow along z direction. So, ये mass accumulation rate है, ठीक है? और ये क्या बन जाएगा? Rate of change of mass बन जाएगा, है ना? So, मेरे ख्याल से ये आपने क्या लिखा है? Incoming minus outgoing for the control volume लिखा है. So, हम इसको per unit volume लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? Per unit volume. So, per unit volume के लिए क्या करेंगे, volume से divide कर देंगे, और volume क्या है, dx divide dz. So, आपके पास क्या बन जाएगा, incoming minus outgoing per unit volume, यानी कि volume of control volume, total volume of control volume. So, ये बन जाएगा minus del of rho u by del x, ठीक है, minus में common ले लूंगा, और control volume का volume क्या होता है, dx divide dz होता है, so वो तो cancel out हो जाएगा, so minus of del rho u by del x, del rho v by del y, plus del rho w by del z, ठीक है, so ये आपके पास incoming minus outgoing per unit volume आ गया, incoming minus outgoing per unit volume आ गया, मगर incoming minus outgoing क्या है, rate of change of mass है, और इसको हम per unit volume लिख लेंगे. अब देखिए कंट्रोल वॉल्यूम के सेंटर पॉइंट की डेंसिटी क्या थी, रो, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है, मगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास के लिए क्या मतलब होता है, डी बाई डी टी, रेट क्या होता है, डी बाई डी टी, सो यहाँ पे बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ रो डी एक्स डी वाई डी जेड, सो डी एक्स डी वाई डी जेड तो एलिमेंट की साइड है, तो वो बन जाएगा डी रो बाई डी टी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड. हालांकि यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, देखिए ये क्या है, डेंसिटी का टोटल डेरिवेटिव है, और टोटल डेरिवेटिव में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कन्वेक्टिव चेंज और एक होता है लोकल चेंज. कन्वेक्टिव चेंज में आप दो पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं, और लोकल चेंज में आप एक ही पॉइंट की बात करते हैं. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिख रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट पे डेंसिटी के चेंजेस कंसिडर कर रहे हैं, तो आप लोकल चेंज को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल चेंज ना आके सिर्फ लोकल चेंज आएगा डेंसिटी का. समझ आया, हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही पॉइंट पे टाइम के साथ मास में चेंज कंसिडर कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, यानी एक ही पॉइंट पे टाइम के साथ डेंसिटी का चेंज देख रहे हैं, तो लोकल चेंज देख रहे हैं. मगर टोटल चेंज क्या होता है, टोटल चेंज होता है कन्वेक्टिव चेंज प्लस लोकल चेंज, और कन्वेक्टिव चेंज होता है दो पॉइंट्स को कंपेयर करना, यहाँ हम दो पॉइंट्स को कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक पॉइंट पे टाइम के साथ चेंज देख रहे हैं. सो यहाँ पे जो डेंसिटी का डेरिवेटिव आएगा, डेंसिटी का रेट आएगा, वो पार्शियल रेट आएगा. इज दैट क्लियर, ओके, सो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. अब ये देखिए इनकमिंग माइनस आउटगोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, सो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, पर यूनिट वॉल्यूम लिखना पड़ेगा. सो जब इसको पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे, यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम तो dx dy dz है, सो वो आंसर आएगा del rho by del t. सो ये आपके पास आया है del rho by del t. अब आपकी ये वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये वन इक्वेशन, ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल है. सो आपके पास बन जाएगा माइनस ऑफ डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल रो बाय डेल टाइम. सो लेफ्ट हैंड साइड बताता है इनकमिंग माइनस आउटगोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, और राइट हैंड साइड बताता है चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो आप सारी टर्म्स को एक साइड लेके आ सकते हैं, और फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो. अब देखिए हमने क्या किया था, हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम ली थी, उस कंट्रोल वॉल्यूम के लिए एनर्जी मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिखा,
और फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो आप क्या जब पर यूनिट वॉल्यूम बात कर रहे हैं बेसिकली आप पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। सो आपने क्या किया है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल एट अ पॉइंट लिखा है जिसमें आपने सारी क्वांटिटीज को यूलेरियन अप्रोच में कंसिडर किया है। और ये इक्वेशन क्या कर रही है ये डेंसिटी और वेलोसिटी कंपोनेंट्स को रिलेट कर रही है। ठीक है सो यही फाइनल इक्वेशन जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। ये फाइनल इक्वेशन जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन है। और अगर आपने नोट किया हो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैंने किसी तरह की अजम्पशन नहीं ली है, कोई भी अजम्पशन कंसिडर नहीं किया मैंने। मैंने रो को एक्स वाई जेड टाइम का फंक्शन माना है यानी कि फ्लो कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल हो सकता है। मैंने कंसिडर किया है कि मे बी ये यू वी डब्ल्यू तीनों है तो ये स्पेशल फ्लो हो सकता है। मैंने कंसिडर किया है कि ये थ्री डायमेंशनल फ्लो भी हो सकता है। मैंने विस्कस नॉन विस्कस रोटेशनल इररोटेशनल स्टेडी अनस्टेडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किसी तरह की कोई अजम्पशन नहीं ली है। सो ये जो है ये जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये दुनिया के किसी भी फ्लो के लिए वैलिड है, चाहे एरोप्लेन की बॉडी के अक्रॉस हवा का फ्लो हो रहा हो, चाहे पाइप के अंदर पानी का फ्लो हो रहा हो, या फिर जब हम कॉलिन से स्प्रे करते हैं तो जो अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर आते ही एटॉमाइज हो जाता है, वो वाला फ्लो हो रहा हो, हर जगह ये सिनेरियो वैलिड है। ठीक है सो इसको आप बोलेंगे जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है अब देखिए जो गेट एग्जाम है गेट एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मगर जब आप पार्क वगैरह के इंटरव्यू में जाएंगे तो वो लोग आपसे ये डेरिवेशंस वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है सो ये डेरिवेशंस आप लोगों को नोट की होनी चाहिए और आई होप कि आपने प्रॉपरली नोट किए हैं सारे स्टेप्स, क्योंकि आपको डेफिनेटली पार्क इसरो और एनएचपीसी इनके इंटरव्यूज में ये डेरिवेशंस पूछी जा सकते हैं। इनफैक्ट एनएचपीसी में भी डेरिवेशन ना ही पूछेंगे मुझे तो लगता नहीं है, मगर बाद में वहाँ डेफिनेशन वहाँ पे बाकी चीजों की बताए बजाय ये डेरिवेशंस वगैरह पूछते हैं। ठीक है तो ध्यान रखना आपको। सो गेट की बात करते हैं तो गेट में तो आपको इक्वेशन चाहिए डायरेक्टली। ठीक है अब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे मान लीजिए आपका फ्लूइड फ्लो इनकम्प्रेसिबल है। कैसा फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। तो अगर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो हुआ, अगर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो हुआ उस केस में रो जो है वो ना तो x का फंक्शन होगा ना वाई का फंक्शन होगा ना ही टाइम का फंक्शन होगा, है ना ना रो में ना तो आपको कन्वेक्टिव चेंज दिखाई देगा ना फिर लोकल चेंज दिखाई देगा क्योंकि फ्लो इनकम्प्रेसिबल है। अब देखिए क्या बन गया, डेल रो बाय डेल टी जीरो बन गया, है ना। सो पहली टर्म जीरो हो जाएगी और दूसरा रो जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है। सो क्या होगा, रो जो है वो बाहर आ जाएगा। सो आपके पास क्या बनेगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है और फिर रो को दूसरी साइड ले जाइए तो ये क्या बन गई है, ये फाइनल कंटिन्यूटी इक्वेशन बन गई है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। व्हाट काइंड ऑफ फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ओके क्या बन गया, फाइनल कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो बन गया है। ठीक है अब जरा देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जीरो होता है। अब जरा देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन अलोंग एक्स डेल यू बाय डेल एक्स होता है, रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन अलोंग वाई डेल वी बाय डेल वाई होता है एंड रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन अलोंग जेड दैट इज डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखेंगे और द सम ऑफ ऑल लीनियर स्ट्रेन्स एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। सो ये बन जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। तो अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो जीरो होगा, तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड जीरो आ रहा है। सच्चे में ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ना, ये आप वहां से भी लिख सकते थे। ठीक है तो यही मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था शायद कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब मान लीजिए वो कहते हैं कि फ्लो जो है सिर्फ स्टेडी फ्लो है। कैसा फ्लो है, स्टेडी स्टेट फ्लो है, उन्होंने और कुछ नहीं बोला है, सिर्फ स्टेडी स्टेट फ्लो बोला है। तो स्टेडी स्टेट फ्लो के केस में क्या होता है, स्टेडी स्टेट फ्लो के केस में क्या होता है कि आपके पास जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो टाइम का फंक्शन नहीं होगी, यानी डेल रो बाय डेल टाइम भी जीरो होगा। तो अगर डेल रो बाय डेल टाइम जीरो होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा,
del by del x of rho u plus del by del y of rho v plus del by del z of rho w equal to 0. अब जरा देखिए, मैंने बोला स्टेडी स्टेट फ्लो है, यानी कि एक टरबाइन ऑपरेट कर रही है, उसके इनलेट पे हमेशा प्रेशर 100 मेगा पास्कल है, उसके आउटलेट पे हमेशा प्रेशर 10 मेगा पास्कल है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सो इनलेट और आउटलेट पे डिफरेंस है, इनलेट और आउटलेट के बीच में डिफरेंस है, मगर इनलेट पे टाइम के साथ कोई कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है। अब इनलेट पे जो स्टीम अंदर आ रही होगी उसकी डेंसिटी हाई होगी, प्रेशर हाई है, आउटलेट पे स्टीम जो बाहर जा रही होगी उसकी डेंसिटी लो होगी, है ना? सो इनलेट से आउटलेट तक डेंसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी का कन्वेक्टिव चेंज हो सकता है। सो डेंसिटी एक्स का फंक्शन हो सकती है, तो डेंसिटी जो है वो इक्वेशन के अंदर ही रहेगी। सो ये जो फाइनल इक्वेशन है ये स्टेडी स्टेट फ्लो की है, ठीक है? तो ध्यान रखना है, इनकम्प्रेसिबल के केस में रो जो है हट ही जाता है और स्टेडी के केस में इस तरीके से रहता है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं फर्दर बोल देता कि स्टेडी भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है तो रो तो हटना ही था फिर, है ना? बस ये है कि अगर अनस्टेडी इनकम्प्रेसिबल हुआ तो भी इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो होगी, मगर उसमें यू वी डब्ल्यू जो है टाइम के फंक्शन होंगे। अगर फ्लो स्टेडी इनकम्प्रेसिबल हुआ तो भी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो होगी, मगर यू वी डब्ल्यू टाइम के फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो तो इक्वेशन ऐसी दिखाई देती है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये स्टेडी अनस्टेडी दोनों के लिए है, फर्क सिर्फ इतना है कि स्टेडी में यू वी डब्ल्यू टाइम के फंक्शन नहीं होंगे, मगर अनस्टेडी में ये क्वांटिटीज जो है टाइम की फंक्शन होंगे। सो दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, अब आपके केस में क्वेश्चन कैसे आएंगे? दरअसल आपको एक वेलोसिटी कंपोनेंट्स दे दिए जाएंगे, वो कहेंगे आपको कि चेक करो कि फ्लो कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल। तो देखिए, अगर फ्लो इनकंप्रेसिबल हो तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स का क्या रिलेशन बनेगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। तो आप सिर्फ इतना चेक कर लो, अगर वेलोसिटी कंपोनेंट्स ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं तो फ्लो इनकंप्रेसिबल होगा, और अगर फॉलो नहीं कर रहे तो फ्लो कंप्रेसिबल होगा। या फिर आपको ये बोल देंगे कि भैया फ्लो इनकंप्रेसिबल है, इसका मतलब ये वाली कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी, और फिर बोलेंगे कि मुझे दो वेलोसिटी कंपोनेंट तो पता है मगर तीसरा वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं पता, तो यू वी यहाँ डाल दो डब्ल्यू आपका निकल जाएगा। सो इस तरह से दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जरा दो मिनट लेके एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिए डेरिवेशन को, इन इक्वेशंस को देख लीजिए, और फिर हम क्वेश्चन से करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेन रेट्स और क्या कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जरा देखिए क्या बोलते हैं, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। अच्छा, आप लोगों को ना एक चीज ध्यान रखनी है, दरअसल हमारे टेक्स्ट में एक मिस्टेक है, टेक्स्ट मतलब ऑल ओवर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम ये मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड हुई है। सो होता क्या कि हम लोग डायमेंशंस और डायरेक्शंस के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनरली जब भी लिखा होता है 2D फ्लो, तो 2D फ्लो का वो मतलब ले लेते हैं कि दो ही वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं और वो दो ही वेरिएबल्स का फंक्शन होंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। 2D फ्लो का मतलब हो सकता है कि तीन वेलोसिटी कंपोनेंट्स हो, बट वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स सिर्फ दो वेरिएबल्स का फंक्शन होंगे। ठीक है, सो जब भी आपके प्रॉब्लम में लिखा है 2D फ्लो, आप कंसिडर करेंगे कि भैया दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं जो दो डायरेक्शंस के फंक्शन है, आप इस तरह से कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंड देयर इज अ मिस्टेक इन आवर टेक्स्ट, ये मिस्टेक के कारण है, और गेट में भी क्वेश्चन आएगा तो यही कंसिडर करना है। सो क्या कह रहे हैं कि 2D फ्लो है, 2D फ्लो का मतलब है दो ही वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, W होगा नहीं, तो W अगर 0 होगा तो आपकी जो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन रह जाएगी वो रह जाएगी डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन रह गई है। और दूसरा, ये रो यू और वी दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, दो ही स्पेस वेरिएबल्स का फंक्शन है जो कि है एक्स और वाई। अब वो बोल रहे हैं, अब जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है कि इसमें रो जो है बाहर आ गया और डेल रो बाय डेल टी 0 है। तो अगर रो बाहर आ चुका है और डेल रो बाय डेल टी 0 है, ऐसा तो तभी होता है जब फ्लो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू 0। तो रो उधर चला जाएगा तो 0 आ गया। सो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे थे।
क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर। सो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो आना चाहिए। मगर क्या कहते हैं, यस आपका आंसर कैसा आएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो आएगा। मगर इन्होंने थोड़ी सी, हाँ सॉरी, एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन है, देखिए गाइस, इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल अनस्टेडी फ्लो। अब जरा देखो बेटा, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हुआ तो रोड टाइम का फंक्शन नहीं होगा। मगर इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये थोड़ी ना कि यू भी टाइम का फंक्शन नहीं होगा, वी भी टाइम का फंक्शन नहीं होगा। यू और वी तो टाइम के फंक्शन हो सकते हैं ना, सही कह रहा हूं मैं, यू और वी तो टाइम के फंक्शन हो सकते हैं। तो ये अगर ये दोनों टाइम के फंक्शन नहीं है तो ये स्टेडी स्टेट फ्लो बन जाएगा, और अगर ये दोनों टाइम के फंक्शन है तो अनस्टेडी फ्लो बन जाएगा, है ना। अब देखो स्टेडी अनस्टेडी से रिलेटेड कोई इक्वेशन दी है, कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, इसका मतलब ये स्टेडी अनस्टेडी दोनों है, तो ये ऑप्शंस गलत है इनके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनको क्या बनाना था, एक ही ऑप्शन बनाना था इनकम्प्रेसिबल फ्लो का, मगर इन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए और वो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इनकम्प्रेसिबल स्टेडी स्टेट फ्लो, इनकम्प्रेसिबल अनस्टेडी स्टेट फ्लो, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि यार ये सर कैसे कह रहे हैं आईईएस का क्वेश्चन गलत है, वहां भी क्वेश्चन गलत आते हैं, गेट के भी क्वेश्चन गलत होते हैं, और कई बार हम लोग जो है वो क्या कहते हैं क्वेरी भी रेज करते हैं कि क्वेश्चन रॉन्ग है, और गेट ने एक्सेप्ट भी किया है बहुत बार, हर साल ही होता है, ऑलमोस्ट हर एक दो साल में ऐसा होता है, ठीक है। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है मगर स्टेडी अनस्टेडी दोनों हो सकते हैं, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ू, हाँ अब ये वाला एक क्वेश्चन है। सो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, दरअसल हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, है ना। सो इन इक्वेशंस को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करके देखिए। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है, है ना। ग्रेडियंट इनटू ग्रेडियंट का क्रॉस प्रोडक्ट विद अ वेक्टर, दैट इज कर्ल, ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या है, डेल रो बाय डेल टाइम प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैसे, ये देखिए रो वी वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, रो यू आई कैप प्लस रो वी जे कैप प्लस रो डब्ल्यू के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं, ग्रेडियंट के साथ। सो डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, इस तरीके से ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जरा देखो आई डॉट आई वो क्या बन जाएगा, डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स, जे डॉट जे डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई, एंड के डॉट के डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड। तो आप इस तरह से वेक्टर कैलकुलस की फॉर्म में भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता तो डेल रो बाय डेल टी जीरो हो जाता और रो जो है ग्रेडियंट से बाहर आ जाता, तो आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन रह जाती वो रह जाती डेल डॉट वी इक्वल टू जीरो। सो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट इज ग्रेडियंट डॉट वी इक्वल टू जीरो। तो मुझे एक बात बताना, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब तो कर्ल होता है, और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कर्ल होता है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, जरा देखिएगा, चेक कीजिए, वेक्टर कैलकुलस पढ़ा है आपने, ठीक है। सो ध्यान चेक कीजिएगा जिसको, ओके सो पहले यही क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। एक्चुअल में वो कह रहा है कि तीन तरह के फ्लो दिए हुए हैं, पी क्यू और आर, थ्री टाइप्स ऑफ फ्लो आर गिवन टू यू, और वो बोल रहा है कि ऐसा फ्लो चूज करो जो कि इनकम्प्रेसिबल और इररोटेशनल दोनों है, ऐसा फ्लो चूज करो जो कि इनकम्प्रेसिबल और इररोटेशनल दोनों है, ऐसा फ्लो चूज कीजिए जो इररोटेशनल इनकम्प्रेसिबल दोनों है। तो देख लेते हैं फटाफट, मेथड देख लेते हैं। सो देखिए यू आर आस्क्ड, ये 2009 का क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट असॉर्टेड फ्लूइड फ्लोस फॉर सूटेबिलिटी इन अ गिवन लैबोरेटरी एप्लीकेशन। द फॉलोइंग थ्री फ्लो चॉइसेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड, फील्ड का मतलब होता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, इन एक्स वाई प्लेन आर मेड अवेलेबल, व्हिच फ्लो शुड बी रिकमेंडेड व्हेन द एप्लीकेशन रिक्वायर्स द फ्लो टू बी इनकम्प्रेसिबल एंड इररोटेशनल।
तीन तरह के 2D प्लेनर फ्लो दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन करेक्ट है, कौन सा फॉर्म करेक्ट है अगर हमें इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। सो हमें पता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब है कि रो जो है एक्स वाई जेड टाइम का फंक्शन नहीं है। इसका मतलब फ्लो ऐसा होगा कि उसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो है वो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। अगर वेलोसिटी कंपोनेंट्स इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे तो फ्लो जो है कंप्रेसिबल बन जाएगा, है ना। सो पहले पी की बात करते हैं। पी के केस में यू की वैल्यू क्या है, 2y। सो अगर मैं पी की बात करूं, यू इज इक्वल टू 2y एंड वी इज इक्वल टू -3xy -3x। ठीक है, तो अगर फ्लो को कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल होना है, अगर फ्लो को इनकंप्रेसिबल होना है तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स को ये इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वेलोसिटी कंपोनेंट्स ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहे तो फ्लो कंप्रेसिबल बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, तो हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो होनी चाहिए। सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2y प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ -3x। अब मेरे ख्याल से y डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो तो जीरो हो गया क्योंकि y और x स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। उसी तरह x और y जीरो हो गया। सो 0 + 0 0 होता है। सो LHS = RHS आ गया, तो फ्लो इनकंप्रेसिबल है। इसका मतलब p तो करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, अब q की बात करते हैं। सो q के केस में क्या है, q के केस में u की जो वैल्यू है वो 3xy है प्लस और v की जो वैल्यू है वो है जीरो। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि फ्लो इनकंप्रेसिबल हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जब u और x की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास जीरो आना चाहिए। सो जीरो बाय y। ठीक है, अब देखिए डेल बाय डेल x ऑफ 3xy वो क्या बन जाएगा, 3y। सो 3y प्लस जीरो, ये तो जीरो नहीं आया, ये तो बन गया 3y। सो ये फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि LHS 3y बन रहा है। ठीक है, सो आपका फ्लो जो है कंप्रेसिबल है, सो q जो है वो वैलिड नहीं है। अब r की बात करते हैं। अब r के केस में क्या है, u इज इक्वल टू -2x एंड v इज इक्वल टू 2y। ठीक है, सो अगेन आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, -2x / del x + del of 2y / del y। अब देखिए ये क्या डेरिवेटिव बनेगा, -2, ये क्या डेरिवेटिव बनेगा, +2, तो LHS 0 आ गई। इसका मतलब P एंड R बोथ आर इनकंप्रेसिबल। सो जब मैं इनकंप्रेसिबिलिटी चेक कर रहा हूं, सो मेरे पास आ रहा है P एंड R। इनकंप्रेसिबिलिटी में मेरे पास आ रहे हैं P एंड R। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि फ्लो इरोटेशनल है या नहीं। अब हमारा जो फ्लो है वो इरोटेशनल भी होना चाहिए, इरोटेशनल, हाँ इरोटेशनल चेक करना है। अब देखिए क्या होता है, जब आपका फ्लो इरोटेशनल है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जीरो होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। मगर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर में तीन कॉम्पोनेंट होंगे इरोटेशनल फ्लो। सो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जीरो होना चाहिए, यानी कि आपके पास ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम और फिर अंडर रूट। तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो कब होगा, जब तीनों क्वांटिटी जीरो होंगी। तो फ्लो इरोटेशनल तभी होता है जब ओमेगा एक्स भी जीरो हो, ओमेगा वाई भी जीरो हो और ओमेगा जेड भी जीरो हो। ठीक है, अब इस केस में मिस्टेक के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना ओमेगा जेड इक्वल टू जीरो चेक करके छोड़ देते हैं। मगर ऐसा हो सकता है कि ओमेगा एक्स नॉन जीरो हो, ओमेगा वाई नॉन जीरो हो, तो एक भी कंपोनेंट नॉन जीरो आ गया यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर नॉन जीरो होगा, तो फ्लो जो है रोटेशनल बन जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको तीनों एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स चेक करने होते हैं। मगर एक शॉर्टकट में बता देता हूं,
जब भी आपके पास 2D planar flow हो, कैसा flow हो? 2D planar flow, such that u, v are functions of x, y. आपने जो दो velocity components लिए हैं, वो उन्हीं दो space coordinates के function हैं। अगर आपने u और w लिए होते, तो वो x, z के function हैं। अगर आपने v और w लिए होते, तो वो y, z के function हैं। जब इस तरीके की conditions होती हैं, तो आपको एक ही angular component check करना होता है। वो कौन सा होगा? इस केस में ओमेगा जेड चेक करना होगा। अगर आपके पास ये केस है, तो आपको ओमेगा वाई चेक करना होगा। और अगर आपके पास ये वाला केस है, तो आपको ओमेगा एक्स चेक करना होगा। ठीक है? थोड़ा सा मैकेनिक्स लगाइएगा, सोचेंगे तो पता लग जाएगा। इस पे जरा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में मूव करेंगे, तो उनमें जो रोटेशन होगी वो जेड एक्सिस के अबाउट होगी। फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स जेड प्लेन में मूव करेंगे, तो एलिमेंट्स की जो रोटेशन होगी वो वाई के अबाउट होगी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता लग जाएगा। सो ध्यान रखना है कि वैसे तो तीनों कॉम्पोनेंट सेपरेटली चेक करने होते हैं। ओमेगा एक्स भी जीरो होना चाहिए, ओमेगा वाई भी जीरो होना चाहिए, ओमेगा जेड भी जीरो होना चाहिए। मगर अगर इस तरह की 2D planar flow है, तो दो velocity components और same coordinates, तो तीसरा coordinate का angular velocity component check करना है। ठीक है? अब यहाँ पे PQR था, और तीनों में ही U और V है जो X और Y का function है, तो मैं सिर्फ omega Z check करूँगा। क्या check करूँगा? Omega Z। So मेरे केस में, हमारे question के केस में सिर्फ omega Z equal to 0 check करना है। So omega Z equal to 0 check करेंगे, इसका मतलब ओमेगा जेड यानी कि हाफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई जीरो होना चाहिए। ठीक है? सो पहले पी की बात करते हैं। पी के केस में यू इज इक्वल टू 2x है, 2y है, और v इज इक्वल टू माइनस 3x है। सो जब आप डेरिवेट करेंगे डेल वी बाय डेल एक्स, वो कितना बन जाएगा? माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है? डेल वी बाय डेल एक्स कितना बन जाएगा? माइनस 3। एंड डेल यू बाय डेल वाई क्या बन जाएगा? प्लस 2। ठीक है? ठीक है? सो आपके पास क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स, वो आएगा माइनस 3, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो वो आएगा माइनस 2। तो ये तो माइनस 5 बाय 2 हो गया। इसमें तो ओमेगा जेड नॉन जीरो है। ओमेगा जेड कैसा है? नॉन जीरो। तो ये इरोटेशनल है, इरोटेशनल नहीं है, रोटेशनल है ये। ठीक है? अब जरा देखिए q की बात करते हैं। सो q के केस में u is equal to 3xy है, v की वैल्यू 0 है, तो जब आप ओमेगा z की वैल्यू पुट करेंगे half del v by del x, तो 0 का तो 0 ही आ गया, minus del u by del y, तो ये बन जाएगा half of 0 minus 3x, ये भी नॉन जीरो आ गया, है ना, not equal to 0 आ गया। सो ये भी रोटेशनल फ्लो है। अब हम r की वैल्यू चेक करते हैं। सो r के केस में half del v by del x, तो वो तो 0 आएगा, क्योंकि v की वैल्यू 2y है, v की वैल्यू है 2y, तो del v by del x बन जाएगा 0, minus del u by del y, अब u की वैल्यू है 2x, minus 2x, तो ये भी 0, तो ये आ गया 0। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो कि इनकम्प्रेसिबल भी है और इरोटेशनल भी है, वो कौन सा ऑप्शन है? r ऑप्शन। ठीक है? सो आंसर a नहीं है, आंसर है r ऑप्शन। क्लियर है? सो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी गुड। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इन अ टू डायमेंशनल इनकंप्रेसिबल स्टेडी फ्लो, स्टेडी बोल दिया तो यू वी जो है टाइम के फंक्शन नहीं होंगे, इनकंप्रेसिबल बोल दिया तो डेंसिटी जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन से हट जाएगा, और 2D बोल दिया तो दो ही वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे जो हम एक्स वाई का फंक्शन कंसिडर करेंगे। वो बोल रहे हैं the velocity component u is equal to a e raised to power x. What is the other component v? तो एक velocity component दिया हुआ है, दूसरा velocity component पूछा हुआ है। तो देखिए 2D incompressible flow के केस में del u by del x plus del v by del y equal to 0 होता है। और हमें दिया हुआ है कि भैया u जो है वो a e raised to power x है। तो v का जो भी function है, u और v मिलके ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है? सो इस इक्वेशन की मदद से मैं v निकाल सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे। मुझे दिया हुआ है del by del x of a e raised to power x
plus del V by del Y has to be 0 because flow incompressible है. So A e raised to power x का derivative क्या होगा? वो तो A e raised to power x ही होगा क्योंकि A एक constant है. Plus del V by del Y equal to 0 आ गया. ठीक है? अब ये वाली term को दूसरी side ले जाते हैं. तो del V by del Y equal to minus A e raised to power x है. अब जरा देखो. V को partial derivative करते हैं तो ये आता है. अब पार्शियल डेरिवेट करते टाइम x क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा. तो आप जब इसको उल्टा इंटीग्रेट करेंगे तो आप x को कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे. ठीक है? सो आपके पास क्या होगा, इसमें x वाली टर्म्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है. सो आप जब इंटीग्रेट करेंगे डेल v बाय डेल y, तो डेल y का इंटीग्रल तो y बन जाएगा. तो आपके पास आएगा v is equal to minus a e raised to power x y plus constant of integration, है ना? अब देखिए पार्शियल इंटीग्रेशन है, तो जब हम टोटल इंटीग्रेशन करते थे, टोटल डेरिवेटिव्स की इंटीग्रेशन करते थे, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है ना. मगर जब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट की बजाय एक फंक्शन आता है. किसका फंक्शन आता है? एक्स का फंक्शन आता है. किसका फंक्शन आता है? एक्स का फंक्शन आता है. आओ देखते हैं कैसे. मान लो आपके पास एक जेड वेरिएबल है जिसका मतलब है 2xy plus 4x. ठीक है, 2xy plus 4x. अब इसका partial derivative करके देखो, del z by del y, तो क्या बनेगा? 2x plus 0 बनेगा, है ना? है ना? सही बात है? So actual में जब integrate करते हैं तो 0 के लिए ही तो constant लिखते हैं ना? मगर यहाँ 0 किसका आ रहा है? यहाँ 0 function of x का आ रहा है. I hope आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ. मैं कहना चाहता हूँ जब function में constant होता है तो उसका derivative 0 बन जाता है. मगर यहाँ फंक्शन में ही फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, तो उसी के लिए मैंने लिखा है f of x. ठीक है? So ध्यान रखना है, जब आप पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो x का फंक्शन लिखेंगे, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो y का फंक्शन लिखेंगे. ठीक है? So ये v आ गया है आपके पास. अब देखिए ये f of x को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन दी रहेगी. अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई है तो हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा. अब वो बोल रहे हैं v is equal to a e raised to power x y. नहीं, v की वैल्यू क्या है? a e raised to power x y. So ऐसा तो नहीं, नहीं सॉरी, ऐसा तो c ऑप्शन है ना. देखिए c ऑप्शन क्या दे रखा है, a e raised to power x y plus f of x. ठीक है, a e raised to power x y plus f of x. So इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गेट 1995 का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए. द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन x एंड y डायरेक्शन आर, सो x कंपोनेंट दिया हुआ है, y कंपोनेंट दिया हुआ है. द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर अ पॉसिबल फ्लो फील्ड इन्वॉल्विंग एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. वो कह रहे हैं अगर ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स करेक्ट हैं तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी. अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये फॉलो होनी चाहिए, यानी कि यू और वी मिलके ये इक्वेशन फॉलो करेंगे. तो मैं यू और वी का एक्सप्रेशन यहाँ डाल देता हूँ. तो जब मैं डेल वाई डेल एक्स करूंगा तो देखिए क्या आया, लैम्डा वाई क्यूब माइनस 2xy. जब मैं डेल वाई करूंगा तो क्या आएगा, 2xy माइनस 3y क्यूब. 4 नीचे आएगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 4 में से एक पावर जाएगी तो 3 बच जाएगा. ठीक है, अब माइनस 2xy और 2xy कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा माइनस 3 कॉमन ले लीजिए. सो लैम्डा माइनस 3 y क्यूब इक्वल टू 0 आ गया. अब देखिए y क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट है. y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कब होता है, जब आप x एक्सिस की बात कर रहे हैं. तो सिर्फ वो पॉइंट्स जहां पे जो x एक्सिस पे है, सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए y की वैल्यू 0 होती है, बाकी पॉइंट्स के लिए तो y की वैल्यू नॉन जीरो होती है ना. तो जब हम फ्लो फील्ड की बात कर रहे हैं, फ्लो फील्ड का मतलब है सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए, यानी कि सारे पॉइंट्स पे ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए. सो y इक्वल टू नॉन जीरो पॉइंट पे भी ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए, यानी कि लैम्डा माइनस 3 ही जीरो होगा. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3. ठीक है, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गेट 2001 का क्वेश्चन है, और इस तरह के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं सिंपल जो मैं लेके नहीं आया. मैंने मुझे लगा कि एक जैसे क्वेश्चंस करके भी कोई फायदा नहीं है, आप उनको होमवर्क के तौर पे भी देख सकते हैं. तो देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है x plus 2y plus 2i cap plus 4 minus y j cap, तो वेलोसिटी वेक्टर होता क्या है,
u I cap plus v j cap plus w k cap. So ये expression u है, ये expression v है. So हमारे पास w तो zero है क्योंकि k cap की कोई term है नहीं. तो 2D planar flow है. और मजेदार बात ये है कि u v जो है वो x और y का function है. ठीक है. अब flow अगर incompressible होता है तो ये वाली continuity equation follow होनी चाहिए. तो मैंने u का expression डाल दिया x plus 2y plus 2. तो del by del x, x का derivative 1. अगर del by del x मतलब y constant होगा तो ये 0 बन जाएगा. तो 1 आ गया. del by del y x constant होगा, ये बन जाएगा minus 1. So 1 minus 1 0 होता है. तो जब मैं velocity components को LHS में put कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है. तो 0 equal to 0, in continuity equation satisfied, so incompressible. अब irrotational flow की बात करते हैं. तो irrotational flow में omega x, omega y, omega z 0 होना चाहिए. अगर मजेदार बात यह है, जो दो velocity components है वो उन्हीं दो space का function है, space coordinates का function है. तो omega x, omega y अपने आप 0 हो जाएगा, सिर्फ omega z बचेगा. तो omega z भी 0 होना चाहिए, मगर omega z का expression ये होता है. तो यहाँ पे velocity components डालेंगे तो 0 आना चाहिए, मगर velocity components डाला तो minus 1 आ गया. इसका मतलब flow rotational है. ठीक है. हाँ कोई बात नहीं, अभी समझ कोई बात नहीं. बट ये कि चलो अच्छा हुआ पता लग गया थोड़ा सा ना. इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट पता है, मगर फिर भी कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है. तो थोड़ा सा ना ध्यान से करना चाहिए, स्लोली करना चाहिए. स्लोली मतलब ऐसे कि भागदौड़ मत करो. यहाँ भी थोड़ा सा डाइसी लगता है ना, वहां पूरा सॉल्व करके देखो. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए. सो देखिए क्या कहता है. इन अ टाइप 2 डायमेंशनल फ्लो, इफ डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स, द फ्लूइड विल अंडरगो. तो देखिए u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में. ये तो हम शेयर स्ट्रेन या एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, है ना. u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, उल्टी डेरिवेटिव्स. तो आप शेयर स्ट्रेन और एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं. अगर वेलोसिटी कंपोनेंट का सेम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हो तब जाके लीनियर स्ट्रेन की बात होती है. तो यहां लीनियर स्ट्रेन के बारे में तो कुछ पता नहीं लगेगा. अब जरा देखिए, ओमेगा जेड की वैल्यू होती है हाफ ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई. मगर वो बोल रहे हैं कि ये दो टर्म्स बराबर हैं. तो अगर ये दो टर्म्स बराबर हैं तो ये सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, जीरो हो गया. तो ओमेगा जेड कितना आ गया, जीरो आ गया. यानी कि फ्लो कैसा है, रोटेशनल है. कैसा फ्लो है, रोटेशनल है. ठीक है. और दूसरी बात, अगर मैं गामा डॉट एक्स वाई की बात करूं तो वो क्या बनेगा, del v by del x plus del u by del y. ये दोनों टर्म्स बराबर हैं. तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है. तो 1 plus 1 कितना होगा, 2 होगा. यानी कि gamma dot xy जो है नॉन जीरो आ रहा है. तो फ्लूइड में कोई रोटेशन नहीं है, फ्लूइड एलिमेंट में कोई रोटेशन नहीं है, मगर फ्लूइड एलिमेंट के अंदर शेयर स्ट्रेन है. तो जब फ्लूइड आगे बढ़ेगा, फ्लूइड पार्टिकल्स ट्रांसलेट तो कर ही रहे होंगे, फ्लूइड पार्टिकल्स ट्रांसलेट तो कर ही रहे होंगे, मगर उनमें कोई रोटेशन नहीं है, शेयर डिफॉर्मेशन है. So fluid elements में क्या होगा, translation and shear deformation. तो देखिए translation only, भैया UV का मतलब है translation, U और V का मतलब है translation, मगर यहाँ से पता लग रहा है कि deformation भी हो रही है. तो पहला option गलत हो गया. वो बोल रहे हैं translation and rotation, मगर elements में कोई rotation नहीं है. दूसरा option गलत हो गया. वो कह रहे हैं translation and deformation. बिल्कुल correct भैया, translation and deformation. और वो कह रहे हैं चौथा option rotation and deformation. जब fluid flow करता है ऐसा कुछ नहीं होता कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो ट्रांसलेशन तो होती ही होती है. यू और वी का मतलब क्या है, मोशन फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर, राइट. सो ट्रांसलेशन तो होनी होनी है. सो ए बी और डी चारों ऑप्शंस रॉन्ग है, तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, चौथा थर्ड ऑप्शन दैट इज ट्रांसलेशन एंड डिफॉर्मेशन करेक्ट है. ठीक है.